रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सैश और पायल, बाहर आ जाइए। आप दोनों ने ही अपने सीक्रेट शेयर किए हैं, लेकिन इससे अब डायरेक्टली आपकी एविक्शन और लॉक इन या लॉकआउट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपके चाहने वाले या आपके को वोट करने वाले लोगों को ये जो है आपके बारे में जानकर अच्छा बुरा जो भी भावनाएं कोई जगे उनमें, लेकिन मेरी भावनाओं पर सिर्फ एक ही बात का फ़र्क पड़ने वाला है यहाँ पे कि आप लोगों ने अब तक अपने गेम को कैसे खेला है। आपने अपनी गेम को 100% दिया है या आपने यहाँ पे सिर्फ टाइम पास किया है। और जहाँ तक 100% देने की बात है, डेफिनेटली सैशा ये तो तुम भी मानोगी कि तुमने अपना 100% गेम को नहीं दिया है। जैसा कल कहा जर्नलिस्ट के साथ में कि आई केम विद अ सर्टेन ईज एंड स्पॉन्टेनिटी कि जो होगा देखा जाएगा, आपने अपना 100% नहीं दिया, इसको टाइम पास की तरह ज़्यादा इस्तेमाल किया जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चाहे आप कितने भी कामयाब हो, यहाँ पे भी बहुत लोग अपने काम में बहुत कामयाब हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं जिंदगी में उसके प्रति आप कितने सीरियस हो, चाहे वो चपाती बनाना ही क्यों ना हो, ये आपके चरित्र के बारे में कुछ कहता है। तो उस वे में मैं कहूँगी कि पायल ने बाय टीथ एंड नेल्स, जिसको कहते हैं ना फाइट करना, वो फाइट किया है और शी हैज़ इमर्ज्ड एज अ फाइटर, अनब्रेकेबल स्पिरिट। आई एग्री। तो पायल, आपको मैं सेव करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इस शो में आगे तक जाएं। थैंक यू फॉर द फिनाले वीक और कॉन्ग्रेचुलेशंस एज यू एंटर द फिनाले वीक। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पायल के पास ये भी एडवांटेज है कि इन्होंने पहले भी रियलिटी शो किया है और सायशा ने कभी किए नहीं है। तो बॉटम में और दो जो हैं, पूनम और अंजलि, वो भी सायशा को ज्वाइन कीजिए प्लीज। सायशा, पूनम, अंजलि, सोचा था कभी आप तीन मुनावर, तुम्हारी कोई ऐसे मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन की तुमने जो ये यहाँ पे करी होगी? लॉकअप की चाबियां बोल रहे थे लोग दो तीन दिन तक अपने आप को। तीनों मेल के कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ तो करते थे, बोलते थे हम लॉकअप की चाबियां हैं। मैं बोला ये बहुत छनछन हो रही है, चाबियां तोड़ता हूँ, रुको। आप तीनों में से अगर मुझे किसी को सेव करना हो तो मैं अपनी पर्सनल लाइकिंग पे बेस्ड अंजलि को सेव करूंगी, क्योंकि अंजलि जेल में सबसे छोटी है, लेकिन फिर भी ऑल द टाइम तो नहीं, लेकिन कभी कभी इसको ट्रॉफी का ख्याल आ जाता है। तुम दोनों को तो कभी भी नहीं आता। तुम दोनों को तो पड़ी कुछ नहीं है ट्रॉफी की, लेकिन इसको एटलीस्ट 30-40% एक क्लैरिटी रहती है कि नहीं मैं तो एक्चुअली यहाँ पे ट्रॉफी लेने आई हूँ। तो कभी कभी उसको भूले बिसरे वो याद आ जाती है। तो उसी भूली बिसरी याद के करके अंजलि, बिकॉज यू आर सो यंग, और जैसे आपका सायशा पूनम, आप सबका ये पहला रियलिटी शो है, एंड आई होप आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएं और बहुत कमाल करिश्माएं करें, लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड कि आप अपने यहाँ पे सबसे छोटी हैं और फिर भी इनसे अच्छा किया आपने। थैंक यू मैम। मेरे हिसाब से आपने डेफिनेटली इन दोनों से तो अच्छा किया है। यस यस। मैम मुझे कुछ कहना है, मुझे अपना सीक्रेट रिवील करना है, कहना है। यस, बोलिए। मैम लास्ट दो हफ्ते से मैं सीक्रेट के उसमें आ रही थी और वो वर्ड मेरे माइंड में बार बार हिट भी कर रहा था। मैं लास्ट टाइम भी रोई थी और पूनम ने तब चुप भी कराया था मेरे को। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था मैं जब 11th में थी। मुझे शुरू से ही मतलब भाई के साथ ही, मैं कॉलेज भी, स्कूल भी, ट्यूशन भी मुझे भाई के साथ पढ़ाया गया और
मेरा भाई बहुत प्रोटेक्टिव है मुझे लेके, लाइक कि मेरी बहन को कोई कुछ कह ना दे, वो किसी से बात ना कर ले, ऐसा मतलब एक भाई वाला नेचर. तो 11th क्लास में मैंने ट्यूशन बंक किया था पहली बार. वो भी सर ने ये बोला था कि आपकी क्लास एक घंटे बाद है, आप थोड़ी देर में आना. जो हमारे बैचमेट्स थे उनके साथ कैफ़े गए थे हम सारे, जहाँ पे हुक्का था. भाई का कोई दोस्त था जिसने फ़ोन करके बोला कि तेरी बहन ना यहाँ पर है. तो भाई वहीं पर आया, आके मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और मुझे लेकर गया घर पे. उसको मैंने बोला कि पापा को मत बता प्लीज़, मैं सॉरी बोलती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं बिना बताए गई. घर पे लेके गया और उसने मुझे बहुत डांटा. मम्मी नहीं थी घर पे उस टाइम पे, पापा ने भी बहुत डांटा मारा मुझे और बोला कि अगले दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था 11th क्लास में, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और बोला कि आज से इसका बाहर जाना बंद, इसका पढ़ाई लिखाई बंद, इसको घर पे रखो, ये कहीं नहीं जाएगी. और उस टाइम पे मुझे सच में ऐसा लगा, मेरी वो स्टूपिडिटी थी, पता नहीं क्या था मेरे मन में, क्या आया और मैंने फिनाइल पी लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया. एक घंटे तक किसी को नहीं पता था अंदर कि क्या हो रहा है. भाई ने आके गेट तोड़ा, जो हॉस्पिटल लेके गया. बट उसके बाद पापा और भाई ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना इतना इतनी केयर की मेरी. मतलब उससे पहले कभी किसी ने मेरे से पूछा भी नहीं कि तू क्या चाहती है. मैं कभी खुल के कभी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई. बट उसके बाद मम्मी जब घर पर आई, भाई को भी डांटा. मेरे भाई ने भी मेरे से बहुत बार माफ़ी मांगे इस चीज़ के लिए कि सॉरी हमने तेरे को इतना इतना वो किया हुआ था, हमें भी नहीं पता था. लेकिन आप जो बात कह रही हैं वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और होगा, लेकिन अब जिस तरह से इस एक्सपीरियंस से मैसेज और सीख मिल रही है वो एक बहुत ही गलत तरीके से मिल रही है. तो मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी. आपका एक्सपीरियंस हम तक पहुँच गया. अधिकतर बच्चा खासकर जो लड़कियाँ होती हैं वो नॉर्थ इंडिया पाती हैं, और जो नॉर्थ इंडिया में ऑफ कोर्स हम लोग भी सेम कल्चर से पले बड़े हैं. मेरा तो भाई छोटा है, लेकिन जो मेरे कज़िन ब्रदर्स हैं उन्होंने ठेका लिया था कि मैं क्या कपड़े पहनूंगी, किससे बात करूंगी. और वो एक बहुत बड़ी गैंग होती है कज़िन ब्रदर्स की नॉर्थ इंडिया में. मतलब आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ उनकी वो क्या मेंटालिटी, बिकॉज ऑफ टू मच इन्वेजन. मतलब जिस तरह से लड़कियों को, बिकॉज नॉर्थ हैज सीन लॉट ऑफ इन्वेजन्स, तो उनकी वो मेंटालिटी ऐसी ही है कि बाहर गई क्या पहना, किसकी बहन ये. तो और भाइयों का एक रैकेट होता है जो जो तुमने खा उसका दोस्त उसे इन्फॉर्म करेगा. मेरे कज़िन ब्रदर के साथ मेरी कितनी फाइट्स हुई. मतलब उसका तो लेना देना है कुछ नहीं हमारे घर में, लेकिन फिर भी वो आता था और बताता था कि ये कहाँ घूम रही है, कहाँ गई थी. तो एक रैकेट पूरा, वो जो एक वेरी कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ बॉयज़ जो होता है वो होता है. और वो खुद कॉलेजेस के बाहर खड़े रहते हैं, स्कूल्स के बाहर खुद हमारे कज़न खड़े रहते हैं दूसरी लड़कियों को देखने के लिए. लेकिन जब उनके कॉलेज के बॉयज़ आते हैं हमारे स्कूल के बाहर खड़े रहेंगे तो हमारी पिटाई घर पे करेंगे. सो वो उस तरह की जो नेचर है वो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा है. हम तो एक्चुअली बॉम्बे में आके शौक हो गए कि यहाँ पे घरों में बॉयफ्रेंड्स आते हैं बच्चों के, और वो सब तो कल्चर ही बिल्कुल बहुत बड़ा कल्चर शौक था. बट एनीवे, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अंजलि आपके साथ जो हुआ वो हादसा, वो आपको भगवान का बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि आपने एक अटेम्प्ट किया था. और ये स्टडी कहती है कि 99.9% लोग, ये मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट बता रही हूँ, जो भी सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनसे जो कि इस हादसे से बच पाए, जैसे लकीली आप बच गए, उनसे जब भी बाद में पूछा जाता है कि आपने वो डिसीजन आपने लिया था उस वक्त में, डू यू रिग्रेट इट और डू यू स्टैंड बाय इट, कि आपका क्या है, 99.9% यही कहते हैं कि वी डिडंट मीन टू डू इट, वी एब्सोल्युटली रिग्रेट इट. लेकिन उसमें से जो प्रतिशत लोग हैं वो बाहर आ पाते हैं, यू विल बी शॉक. चाहे वो लोग किसी स्लैब से जंप करे, चाहे खुद को फंदा लगाए, चाहे खुद जहर पिए, हार्डली 20-30% लोग ही उससे बाहर आ पाते हैं. जबकि उनकी मंशा कुछ और होती है कि किसी को सीख सिखाने या कुछ करना, या उस मोमेंट में उनको लगता है कि मर जाना है, सिर्फ वो मोमेंट ही होता है. और इससे किसी को सीख मिले ना मिले, लेकिन आपको पता नहीं है जो ज़िंदगी है वो कितनी, ह्यूमन लाइफ कितनी नाजुक है. तो ये जो आपने ये जो आपने काम किया था, ये बहुत ही गलत काम किया था आपने. और आपको जो लग रहा है कि नहीं उसके बाद सबको अकल आ गई, पापा को अकल आ गई, भाई को अकल आ गई, मम्मी को भी एक उन्होंने एक लेसन मिला, ये बहुत ही गलत सोच है तुम्हारी अंजलि. ऐसा नहीं है उनको अकल आ गई, या इस तरह की पैसिव डोमिनेशन जो होती है
जो कई बच्चों में दिखाई देती है कि वो अपने आप को जब बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो पैसिवली डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गलत अप्रोच है और आप खुशकिस्मत हैं, आप उससे रिटर्न हो गई, लेकिन अधिकतर लोग रिटर्न नहीं हो पाते हैं। और 99.9% लोग जो हैं उसको रिटर्न करना चाहते हैं अपनी उस मिस्टेक को, पर नहीं कर पाते हैं। सो एनीवे, आपने जो अंजलि अपना एक सीक्रेट शेयर किया, और आई होप इससे जो है बाकी भी बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, ये जो सुसाइड का ख्याल है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सबको आता है, ये सबको आता है। जब हम भी छोटे थे, हमें कोई भी चीज़ डिनाई कर दे, फ्रॉक डिनाई कर दे, हम बैग पैक करके घर, मैंने तो शायद 8 साल की उम्र में अपना बैग पैक कर लिया था कि मुझे घर छोड़ के जाना है, सो दैट बिकेम अ जोक, यू नो। कभी कई बार हमें लगता है कि हमें मर जाना है, कि हम मर जाते, तो सबको ये ख्याल आते हैं, लेकिन टू एक्ट अपॉन दिस थिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और आप कभी भी एक हीरो नहीं कहलाए जाओगे अगर आप कभी भी ऐसा करोगे तो, कभी भी नहीं। ये एक बहुत ही कमज़ोर और एक कावर्ड जो इंसान होता है, उसी का ही काम है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। तो अंजलि, कभी भी इन चीज़ों को एंटरटेन मत करिए। मैं आपको आपकी गेम के लिए, जो भी आपने गेम खेला है उसके लिए, इन आपको सेव करती हूँ, एंड वेलकम टू द फिनाले वीक। ठीक है, सो अब बचे हैं पूनम एंड साशा। आप लोगों की दोनों की कहानी वैसे सेम ही है, एक कदम आगे लेती हैं और 10 कदम पीछे लेती हैं। कभी आप लोग वहाँ पे दोस्ती में इतनी ज़्यादा मशगूल हो जाती हैं, और कभी जो है वो बिट्रे होके उन दोस्तों को दुश्मनी में कन्वर्ट कर लेती हैं, और फिर अचानक से आपको दिन ख्याल आता है कि आज मुझे गेम खेलना है, और वो एक अचानक से मुझे ख्याल आता है, और फिर आप लोग आधा घंटा जाते हैं, थोड़ा गेम खेलते हैं, और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर साइशा की तरह हो तो उस आधे घंटे में भी गेम खेला, अच्छा खेला, अच्छी कॉन्स्पिरेसी की, सब कुछ किया, लेकिन चलो मुन्ना तू ही जीत ले, उसको जिता दिया। हाँ, तो ये जो आप लोगों का है ना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सेम ही है। तो मैं क्या बोलूँ तुम दोनों में से मुझे किसको रखना है और किसको भगाना है। सो वेल, ये ऐसा तय हुआ है कि यू बोथ आर स्ट्रॉन्ग, आप दोनों ही डिजर्व करती हैं फिनाले वीक में जाना। तो मैं आप दोनों को एक और मौका दे रही हूँ टू प्रूव योरसेल्फ। सो आज आप दोनों में से कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन आप दोनों अभी भी अनसेफ हैं। फिनाले वीक में होगा आप दोनों के बीच एक दंगल, जिससे आपका लॉकअप में फ्यूचर डिसाइड होगा। आप दोनों में से जो दंगल जीतेगा वो रहेगा, और जो हारेगा वो घर जाएगा। और दंगल क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको बताया जाएगा। यू बोथ कैन टेक योर सीट्स नाउ। लेकिन जजमेंट डे अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग हम सभी को बहुत एंटरटेन करते हैं, क्योंकि आप लोग कैदी हैं, जेल में आप लोगों को बंद किया गया है, तो आप लोगों के एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है। तो मैंने सोचा है, आई हैव टेकन इट अपॉन माई सेल्फ, आपको पिछली बार मैंने धाकड़ का टीजर दिखाया था, अभी ट्रेलर, तो आप लोगों ने, बाय कोइंसिडेंस था और प्लान था, आप लोगों ने मुझे धाकड़ होने का टीजर दिखाया। अब मैं आपको धाकड़ का ट्रेलर दिखा रही हूँ। अब आप, मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा धाकड़ बनकर लॉकअप में अपनी फिल्म पूरी करेंगे। गार्ड्स, तो आई होप आप लोग उस टाइम पे बाहर होंगे, अपने फैमिलीज के साथ जाएंगे। yes. नहीं तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रायल रखूंगी। वी कैन हैव अ लॉकअप गेट टुगेदर। बहुत अमेजिंग लुक था और बहुत अमेजिंग ट्रेलर था। ऑल द बेस्ट। व्हाट अ परफॉर्मेंस, माय गॉड। आज आखिरी जजमेंट डे है और मेरा आखिरी अत्याचार अभी भी बाकी है। आप सभी कैदी जब लॉकअप में आए, आप लोगों पर कई आरोप लगाए गए। आप अपने ऊपर लगे आरोपों का प्रायश्चित तो भूल जाओ, आपने और भी पाप कर डाले। जैसे बाहर वाली दुनिया में पाप होते हैं, आपने लॉकअप में भी कई पाप किए।
लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो पुण्य और पाप में विश्वास रखते हैं, जो हम लोगों का तकिया कलाम है कि गुड इज़ बैड, यू नो, सो बैड एस इज़ द न्यू हीरो दैट वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश. तो जब हम पाप कहते हैं, सो वी डोंट मीन लिटरल पाप जो कि इन कन्वेंशनल वे है. वी मीन्स जैसे आजकल कहते हैं ना वो तकिया कलाम चले ना, यू आर विशियस, यू आर द शिट, यू आर सिक, वो वाला पाप. सो हम लोग मिलेनियल जनरेशन के हैं तो हम वैसे पाप करते हैं. तो गार्ड्स को बुलाते हैं और कुछ और पाप करते हैं. गार्ड्स, तो आपके पास ऑप्शन है किस तरह का कीचड़ उछाल सकते हैं. आपको कौन लगता है कि कौन अकल का दुश्मन है, कौन उल्लू का पट्टा है, कौन कुत्ते की दुम है, कौन आस्तीन का सांप है, कौन धोबी का कुत्ता है और कौन नाक में दम है. तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये आखिरी हफ्ता है आपकी अत्याचारी जेल में. Yes. और अत्याचार के मुझे भी स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं ताकि मेरा डर जो है वो बना रहे, है ना. नहीं तो ये क्या अत्याचार किए, वैसा नहीं लगना चाहिए ना. तो लगना चाहिए कि आई एम ब्रूटल. तो देखिए इसमें जो है कीचड़ है. कीचड़. और सबसे बड़ा पाप क्या होता है, दूसरों पे कीचड़ उछालना. तो आज हम कीचड़ उछालेंगे, है ना. तो आप उस शख्स को बुलाइएगा, एक कैदी को आप एक ही बार कीचड़ उछाल सकते हो, जितना उछालना है जैसे उछालना है वो आपकी मर्जी है. एक पे ही सारा फेंकना है, जैसे उछालना है ना. तो वी स्टार्ट विद यू साशा. जो आपको लगता है कि जो बंदा उस डिस्क्रिप्शन को मैच करता है, आप वो डिस्क्रिप्शन बोल के शॉर्ट में रीजन दीजिए. हाँ. मैं आस्तीन का सांप अंजलि को देना चाहूंगी. अंजलि प्लीज कम. क्या होता है अंजलि, जाओ माइक और वो उस स्टूल पे बैठ जाइए. अंजलि, मैंने अंजलि के लिए आस्तीन का सांप चुना है क्योंकि वो मेरे यहाँ के मुनव्वर की बुराई करती है, फिर मुनव्वर के यहाँ जाके मेरी बुराई करती है, तो मेरे सीक्रेट्स जो मैं उसके साथ गेम प्लान करती हूँ वो उसको जाके बताती है, फिर उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आके मुझे बताती है. तो ये जो आस्तीन का सांप गिरी इसकी चल रही है, या तो वो केवी से सीखी है या तो पता नहीं पहले से ही ऐसी है. तो मेरे हिसाब से आस्तीन का सांप है अंजलि. सीक्रेट की बात नहीं हो रही है, सीक्रेट गलती से बोला मैंने, सॉरी. ये बात हो रही है जो बातें हम एक दूसरे में कॉन्फिडेंशियलिटी में बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये हम दोनों में ही रहे. बाकी भी कीचड़ उछालेंगे ना. डालिए, डालू ऊपर से? डालिए डालिए. आप और भी ले सकती हैं. आप ठीक है ना, जो भी है. तुम्हारी भी तो टर्न आएगी ना. हाँ. और अत्याचारी जेल में पहले बाद में थोड़ी आओगी तुम. थैंक यू. अंजलि अब आपकी टर्न है. अकल का दुश्मन कौन है, पहले बुला तो लीजिए. मैंने पूनम को चूज किया है अकल का दुश्मन के उस पे. मुनव्वर अब आप आ जाइए. पायल रोहा दीजिए क्योंकि मुझे पता है जहां से आ रहा है वही दो. तो यहाँ पे बहुत सारे जो इन पे फिट होते हैं. आस्तीन का सांप बिल्कुल नहीं है, मुंह पे वार करती है वो. कुत्ते की दुम डेफिनेटली है. उल्लू की पट्टी अकल की दुश्मन तो नहीं. हाँ, कुत्ते की दुम और नाक में दम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. दोनों ही अच्छे ही है. हाँ, नाक में दम तो मैं हूँ एक्चुअली उसके, बट बाकी सबकी नाक में दम. दोनों डाल दूँ? ठीक है. तो नाक में दम कुत्ते की दुम. कुत्ते की दुम था तो कुत्ते. कुत्ते की दुम पायल रोहतगी जी. ऐसा लगता है कि उनको बहुत बार जो चीज़ समझाई जाती है वो समझती नहीं है क्योंकि वो सुनती नहीं है. अगर वो सुन ले तो शायद वो प्रोसेस करके समझने की कोशिश करे. वो सुनती ही नहीं है. उसको अभी तक मैं जो बोलना चाहता हूँ पहले वीक से बता ही नहीं पाया क्योंकि उसने सुना ही नहीं अभी तक. तो कुत्ते की दुम पायल रोहतगी, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक कीचड़ है. तो आप अपने मुंह पे ये बिल्कुल ले सकती हो. इसमें कोई कलर नहीं है जो हमने यूज़ किया हो ऐसे जो ऑर्गेनिक ना हो. तो यस, बिल्कुल प्यार से इसे लिया जाए. आप फाइनलिस्ट हो, आप मुझे लगता है फुल कंपटीशन हो, तो मेरा कंपटीशन एकदम तगड़ा ही होना चाहिए.
और मेरा कॉम्पिटिशन है वो जो दिखना भी चाहिए. एंड आई डोंट माइंड अगर आप भी मुझे इसी तरह कीचड़ में नहलाओगे तो आई डोंट माइंड पायल, बिकॉज आई बिलीव कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे अपने ऊपर भी तो उड़ेंगे. तो मैं डरता नहीं हूँ इन सारे छींटों से जितना नहीं, बाद में माइक नहीं आपके पास, संभाल के चुप रहो, अभी खाली सुनो. देखो यहाँ पे भी सुनना नहीं उसको. नाक में दम तो एक्चुअली मैंने पायल की कर रखा है, लेकिन पायल रोहतगी ने सबकी नाक में दम करके रखा है. 18 लोगों को नहीं भाई है ये औरत, 18 लोगों को नहीं भाई, तुम समझ रहे हो. मेजोरिटी इसको क्या कुछ भी छोड़ दें दो, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट ये गेम ऑन है. अभी तक मैं बहुत कुछ सुन लेता हूँ, तो उसका रीज़न ये मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं वक्त आने पर जवाब देने में बिलीव करता हूँ. तो ये शायद ये वक्त आ गया और मैंने जवाब दे दिया. तो ये अपना नाक में दम का पहला बकेट, पहला टम्बलर, चम्बूड़ा क्या बोलते हैं हम लोग. अभी एक एक और है लास्ट में, प्लीज. चलो दो चार छींटे मेरे को भी उड़ेंगे, चलेगा. माइक है, अरे रुको मेरा मग्गा खत्म नहीं हुआ था. यस, मैं सिर्फ इस गधे को इतना कहना चाहती हूँ कि ये अकल का दुश्मन कीचड़ में कमल खिलता है, और जिस प्रकार से इसने मेरे मुंह पे इतना कीचड़ डाला है. कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन कीचड़ में सुअर भी रहता है. हाँ तो तू तो उसी बराबर है, ठीक है ना, अकल का दुश्मन. लोगों को मेंटली अटैक करके ये मत समझ कि तू शो का विनर बनेगा. बिल्कुल, जो अच्छा खेलेगा वो विनर बनेगा. तू लोगों को मेंटली अटैक करता है, अच्छा बनता है मुंह पे, पीछे उनको डिप्रेशन में डालता है. तेरे जैसा घटिया आदमी किधर मैंने देखा नहीं है. रही बात ये बोलने की कि 18 लोगों ने मेरे को वो समझा, तो एक मिनट चुप रहे, अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी चुप. अभी 18 लोगों ने, तू कह रहा है कि 18 लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, मगर इस शो के अंदर जितने भी लोग आते हैं, चाहे गेस्ट हो या मीडिया वाले हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो बैड एस किया है कि वो मुझे कहते हैं कि दो नाम है बाहर, मुनव्वर और पायल. तो मुनव्वर फारूकी, ये कीचड़ जो तूने मेरे ऊपर डाला है ना, he is a dirty man, he is a pathetic human being, and that is what he is. अपनी शक्ल छुपाकर यहाँ पे अच्छा बनने का ड्रामा करता है. आप बैठ जाइए पायल, आपकी भी बारी आएगी. बट आई अप्रिशिएट पायल स्पिरिट. देखिए हम लोग सब मिट्टी से ही आए हैं. बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखती जो कहते हैं मिट्टी डर्ट है. तो प्रिंस शुरू हो जाइए. बिल्कुल भी नहीं. यस, ये नाक में दम है आसमा. यस बताता हूँ, इधर आ, ये दिल पे आशिक है जिसको हम चाहते हैं हमें क्या नजराना मिलता है कभी. नहीं मैम, जो भी आता है उसको दिल फेंकती है ये. अच्छा अभी उमर आया, उमर को बोलती है लव यू. आई थिंक आजमा कहीं प्रिंस जेलस तो नहीं हो गया कि तुमने उमर को बोला लव यू. मैं बहुत जेलस हूँ, सारे दे दूँ इसको. पता तो चला कि आप मेरे लिए कुछ फील तो करते हो. ये इसीलिए नाक में दम है. मैं टास्क कर रहा था और जहां मुझे इसको रोकना था, और रोकते हुए कहती है चलो ठीक है टास्क छोड़ो मजे ले लेते हैं. तो ये ले, इसलिए तू नाक में दम है. आंखें बंद कर ले, एक डब्बा और आएगा. मुझे लगता है मुझे आप लोगों के लिए कीचड़ फाइट ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी. आगे शिवम. पायल जी को बुलाना चाहूंगा मैम. यस मैम, ये इनको दो तीन देना चाहूंगा. एक तो ये कुत्ते की दुम देना चाहूंगा इनको मैं. ये कुत्ते की दुम है, इनको जितना मर्जी बोल लो ये बातें समझिए. इनकी कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. इनको जेलर जब भी अरीना में जाता हूँ परफॉर्म करता हूँ, इनके लिए दिल तहे दिल से परफॉर्म किया जेलर साहब ने. मुनव्वर तो कॉम्पिटिटर है ही है, उनकी बातों में आकर उन्होंने जो मेरे अगेंस्ट सारी चीज़ें बोली यहाँ पर आके, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ. मैं एक तो मैंने उनके लिए दिल से परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा गला मैंने फाड़ फाड़ के चलाया, मैंने मोटिवेट किया इनको, और कोई बंदा चला भी नहीं रहा था जितना मैंने चलाया. फिर भी ये कहती हैं कि तुमने अंडर परफॉर्म किया, तो वो बात मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है. और ये आज से नहीं है, पिछले अरीना में भी उन्होंने यही बोला था जब मैंने अंजलि के चेहरे पर बॉल. नहीं पायल, अब आप बता भी दीजिए आप किस पर कीचड़ डालना चाहेंगे, पहले ये बता दीजिए.
शिवम शर्मा इतना घटिया है मगर मैं उस पर कीचड़ नहीं डालना चाहती क्योंकि वो इतनी पब्लिसिटी डिजर्व नहीं करता, तो उसको ये मौका नहीं देना चाहती कि उसको यहाँ पे बिठा के उसके ऊपर कीचड़ डालूँ सो दैट उसका प्रोमो कटे, क्योंकि ही डजंट डिजर्व दैट प्रोमो कट फ्रॉम पायल रोहतगी हैंड. कीचड़ जाएगा मुनव्वर फारूकी के मुँह पर. मैं उसका नाम नहीं लेने वाली थी, मैं शिवम शर्मा का नाम लेने वाली थी, मगर उसका जो प्यार देखा मैंने मेरी तरफ, मुझे लगता है कि प्रोमो कट मुनव्वर फारूकी डिजर्व करता है पायल रोहतगी के हाथ से कीचड़ का. सो फॉर दैट मुनव्वर फारूकी डिजर्व दैट बिकॉज वो कहता है कि मैं नाक में दम हूँ, वो कुत्ते की दुम है, सबको मेंटली टारगेट करता है, बकवास करता है, काम चोर लेजी आदमी, सारा दिन बिस्तरे पे बैठा रहता है, बीमारी का ड्रामा करता है, बीमार होने के बावजूद भी अपने आप को पुश नहीं करता काम करने के लिए, और एक्टिंग करता है कि जैसे बहुत अच्छा गुड बॉय आदमी है. तो मुनव्वर की जनता के लिए ये कीचड़ का जाएगा कुत्ते की दुम. बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही बोलना चाहूंगा, मेरे हमदर्द मुझ पे दर्द और जुल्म करे, दुआ खुदा से उनके दर्जों को बुलंद करे, सिकंदर जैसे की कब्र का ठिकाना नहीं है और ये बंदे मिट्टी के किस बात का घमंड करे. वाह क्या बात है मुनव्वर. अंजलि पूनम कौन सा पाप डालोगी अंजलि के ऊपर? मैम मैंने अंजलि को आसिन का सांप इसलिए बोला क्योंकि ये जो दोस्ती करने का बहाना करती है यहाँ पे और फिर जिस तरीके से पीठ पीछे वार करती हैं, इनकी सोच समझ हैप्पी कीचड़ डे, इनकी सोच कुछ और होती है, इनकी समझ कुछ और होती है, और फिर ये जो हरकतें करती है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता. आसमा आप आ जाइए, किस पे फेंकेगी आप कीचड़? अकल का दुश्मन मैं प्रिंस को देना चाहूंगी क्योंकि उनको इतना भी समझ नहीं आया कि गेस्ट आए हैं, गेस्ट पे लाइन मारना जरूरी है, थोड़ा लड़के पे थोड़ा लाइन, दो तीन लाइन क्या मार ली, इतनी छोटी सी बात पे जल गए, ऐसा क्यों प्रिंस? मुझ पे सारे कीचड़ उछालो पर इसको दूर रखो ये बहुत गलत बात है, थोड़ी सी अकल रखो, आओ आपको प्रिंस को पूछना पड़ेगा. ये देखो ये है पंजाब के पुत्र जो सारा दिन हम लोग खेतों में होते हैं, हम लोग आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली, हम लोगों को मिट्टी से फर्क नहीं पड़ता. प्रिंस यू टुक इट इन द राइट स्पिरिट. चलिए इट वॉज फन. सबसे ज्यादा कीचड़ उछला है पायल और अंजलि पे. उससे काम नहीं चलेगा, अब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस खेलना होगा. आप लोग खेलते रहो, मैं क्लोजिंग लिंक ले लेती हूँ. हार्ट बीट्स बीपी सब संभाल के रखना होगा.
अब ना तबीयत ना गेम, कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए. See you at the badass finale. Yeah, thank you. Congratulations to all for being in the finale week. See you. अरे अब तक आए गए तो खेलते हैं ना, आजा. Merry Kitty. Merry Kitty. Merry Kitty. Please come here. आजा आजा. आजा एक मिनट. आजा आजा. टीचर हग. और एक पोज देंगे. स्क्रीनशॉट डालना चाहिए. आजा. क्या फिनाले का पोज है? मजाक नहीं है. मुंजली वो जो एंगल था कब तोड़ने का, ये वो मुझे अभी तक अंजलि ने बोला कि उसका और मुनव्वर का दोस्ती थी, कोई रोमांटिक एंगल नहीं था. आज मीडिया के सामने उसने बोला रोमांटिक एंगल उसकी तरफ से था. तो उसने जब मेरे साथ फाइट करी थी, उसने रोमांटिक एंगल ही बोला, सर लाइकिंग थी एक रोमांस थोड़ा, तो एक लाइकिंग जो भी, दोस्ती से लिटिल अपा, ठीक है. फिर उसने बोला था जब उसने मेरा कब तोड़ा था कि 12 साल से तुम्हारी शादी नहीं हुई और मेरा घर जब बस रहा है तो बसने नहीं देते. उसने बोला कि मैंने ये डायलॉग नहीं बोला, उसने ये डायलॉग बोला. तो अभी जो उसका गेम प्लान है वो झूठ के ऊपर गेम प्लान है, जो आज मुझे पता चल गया. क्योंकि आप कहते हो ना पर्सनल पर्सनल पर्सनल, पायल को छोड़ो बहुत लोग इस घर में पर्सनल हुए. पायल बेवकूफ औरत नहीं है कि ऐसे ही बजे, मगर अगर कोई बजता है तो आदमी सामने जवाब देता है. फिर भी मुझे लगता नहीं कि जो बात उसको उसने बोली भी है उसमें कुछ ऐसा कुछ है कि वो करें. ऑब्वियसली एक शो में हम जब रहते हैं कोई भी होता है कि कोई, दैट इज़ परफेक्टली ओके. बट आर रिएक्शन जब इतना ओवरवर्ड होता है नरुला जी, तो हम भी कोई बच्चे नहीं है, हम भी फिर काट के परफ्यूम काट देते हैं. दो हफ्ते के बाद हमें गुस्सा आया, हमने काट दिया. ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे एक्शंस रैंडम एक्शंस नहीं होते. आई एम नॉट अ इडियट हियर. लॉयर पायल अच्छी बन सकती है. नहीं बाबा नहीं, जज जज वो हथौड़ा मर्द सर पे मार लेगा. क्या धन धन धन. पायल इज परफेक्ट फॉर न्यूज़ में जो चीखने चिल्लाने के लिए बैठाते हैं ना, बस डिबेट करने के लिए, बस उसमें बैठा हो उसको म्यूट करके इसको छोड़ दो. अरे इसके बहुत वो चलते हैं अभी यार. दिस इज उसी जैसे उसका दिमाग हिला हुआ है और उसको मतलब गेम के चक्कर में है ना, और ड्रग्स ऑडियो जा चुकी है, उसका दिमाग उड़ चुका है. तुमने देखा शिवम ने मेरे ऊपर कीचड़ डाला, कुत्ते की दुम बोला मुझे. तुमने देखा उसका प्रिंसिपल, वो दोनों डिस्कस कर रहे थे बैठ के किसका नाम डाले. तो तुमने देखा उसका लेवल देख लिया, उसको इतना इज्जत देने का लेवल देख लिया. इसलिए मैं किसी को अपने पास नहीं आने देती. इसको है इशू ब्रो, जो ज़्यादा खींच लेते हैं ना उनका दिमाग उड़ जाता है भाई. ये पैदल है दिमाग से, इसका इशू है. मैं ऑनेस्टली बोलूँ मुझे उसका रोना एकदम फेक लगा. अखंड मीडिया के सामने तो नहीं क्या बोला, देखो कुछ फीलिंग्स थे. तो फिर आपने वो स्टेटमेंट उस दिन बोला था जब कब टूटा था कि 12 साल की शादी तो नहीं हुई मेरा जो. नो आपने बोला था पायल, उनका क्वेश्चन पता है क्या था? क्या था? आपको कभी रोमांटिक कुछ फील हुआ है? बट वो स्टेटमेंट को रिलेट मत करो. फैमिली आके गई थी तो अब तभी आपने मुझे बोला था कि आपकी कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं थी मुनव्वर के लिए. आज आपने क्या बोला कि आपकी थोड़ी बहुत फीलिंग थी? तो पता भी नहीं है, बट आपकी तरफ से थी ना. हाँ. आपने मुझे कॉर्नर किया ये कहकर कि मैं फेक नैरेटिव फैलाता हूं. हाँ, आप मेरे ऊपर इंजाम लगा रहे हो कि तुम ऐसे रिलेशनशिप हुई है. वो आपकी चॉइस है यार, आपका पर्सनल लाइफ है, आप एक एडल्ट हो. आपने मुझे बोला कि आपने आई लव यू ऐसे वो केविका खबरी झूठ बोल रहा है. मीडिया ने आज नहीं बोला कि आपने वो एक्शन से उसको बोला? मैंने सीधा मना करा उनको. आपने मना किया बट मीडिया ने पूछा ना? पूछा उन्होंने, बिकॉज आप ये चीज कैमरा पे जा जाके बोल रहे हो बार बार. आपको मैं कोई फेक नैरेटिव पे फंसाने के लिए यहाँ पे बैठी नहीं हूँ. आपकी कोई नहीं बैठा. आप 18 के अबव हो, आपको जो करना है आप करो, मगर जब भी आपका नैरेटिव मुझे अटैक करेगा तो मेरे को तो डिफेंड करना पड़ेगा ना. बात खत्म. आपने वहाँ से कुछ बोला था मुनव्वर के लिए कि शादीशुदा है, यहाँ पे आके झूठ बोलता है
कुछ मतलब कुछ ऐसा बोला था आपने, ठीक है, मैंने उसके डिफेंड में आपको ये चीज़ बोली थी, एटलीस्ट चलो उसकी शादी तो हो गई, आपकी तो 12 साल से शादी भी नहीं हुई, और उसके बाद ये चीज़ बोली थी मैंने। आपने क्या डायलॉग बोला था कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूं? नो नो प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ यहाँ इसमें कनेक्ट मत करो, वो जजमेंट डे की बात है। ओके जिस दिन हमें जिस दिन वो प्रॉप्स देने थे एकता मैम भी आई थी। देखिए अभी क्या है, अभी आप और मैं बहस करेंगे सो कोई लॉजिक नहीं, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो पास्ट की बात है। मैं ये आपके साथ क्लैरिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप बार बार मेरे को कहते हैं कि मैं फेक नैरेटिव फैला रही हूँ, जो मुझे फैलाने का कोई शौक नहीं है। इस शो में जो भी होता है एक्स वाई जेड डे पे, वो मुझे जैसे इंटरप्रेट करना है मैं करती हूँ, बिल्कुल, बट मैं जानबूझ के किसी के चरित्र पे या अस्तित्व पे लाचन नहीं लगाऊंगी अनलेस एंड अंटिल वो शो में आ रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम ये शो पे हैं, ये शो पे ये मुद्दा उठा था, आई मेकिंग पांच दिन की बात है, बाहर जाके एक दूसरे को क्लिप्स भेजेंगे, देख मैंने नहीं बोला था, देख मैंने ये बोला था, ये जोन है, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपका लाइफ है, आपको जो करना है करो, ठीक है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, बट आप जितने प्यार से इधर बात करते हो उतने प्यार से इधर भी बात करो, ठीक है। लॉकअप में फिनाले की घंटी बज चुकी है, लड़ेंगे सब मगर जीतेगा सिर्फ कोई एक। इस हफ्ते कोई भी चार्जशीट में नहीं है, अभी तक ऑडियंस बचाने के लिए वोट करती थी, लेकिन अब वो अपने फेवरेट कैदी को जिताने के लिए वोट करेगी। ऑडियंस के लिए वोटिंग लाइन एपिसोड के तुरंत बाद ओपन हो जाएगी, जिसे जिताना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए। दिस वीक विल डिसाइड देयर डेस्टिनी, हर घंटा हर मिनट हर सेकेंड दे नीड टू बी एट देयर बेस्ट, क्योंकि जजमेंटल जनता देख रही है, को कैदीज देख रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं भी इनका गेम हर सेकंड देख रही हूँ। बैड एस जेल का बैड एस क्लाइमैक्स अभी बाकी है, यहाँ पिक्चर कब पलट जाए किसी को नहीं पता। अब शुरू होगा आखिरी अत्याचारी खेल टू गेट द बैड एस बेल। सी यू एट द बैड एस फिनाले।